हेलो, और अभी मैं खड़ा हूँ ले का म्यूज़ियम के बाहर। ले म्यूज़ियम यहाँ पर गवर्नमेंट म्यूज़ियम है। 2016 में 23 दिसंबर में इनॉग्रेट किया था, जो जीके का सीएम है महबूबा जी आके इनॉग्रेट किया था 2016 में। और इसका एंट्री चार्जेस है 50 रुपीज़। टाइमिंग है सुबह 10 से 6 बजे का, लंच टाइमिंग 1 से 2 बजे का को बंद रहेगा। बाकी अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आपको मैं बाहर से जितना देखा हो सके दिखाता हूँ। आपको टिकट काउंटर है और फिर यहाँ से एंट्री करना है। आप यहाँ से आप देख सकते हो पीछे आपको जो ले पहले से कोई कुछ देख रहा है मेरे पहले से यहाँ से। ये वाला है ऊपर ले पहले से। बाकी आप अंदर जाके म्यूजियम का देख सकते हो। इसमें आपका पुराने जमाने का राजे का मतलब जो राजा हुआ करते थे उनका सामान ये सब रखा हुआ है। अच्छा बना है उस चीज़ आपको सिटी के अंदर देखने के लिए। बाकी आज हमारा ले का 5th डे है। इससे पहले 4 दिन किया हुआ, जैसे पहले दिन तो हमने शाम के टाइम आए, फिर दूसरे दिन बिल्कुल रेस्ट किया इतना लॉन्ग ट्रैवलिंग के बाद, फिर तीसरा चौथा दिन हमने मकानी घूमा और आज 5th डे है। आज कोशिश करेंगे कुछ घूमने का आसपास का। बाकी चलो इधर म्यूजियम घूम लेते हैं। आप देख सकते हो मेरा नोटिस गया यहाँ पे, आपको म्यूजियम के बिल्कुल अपोजिट में आप देखो ये जो मस्जिद देख रही हो, ये आपका ले का सबसे पुराना मस्जिद है। अभी हम म्यूजियम से निकल के जा रहे हैं पैलेस, ले पैलेस की तरफ। शॉर्टकट रास्ता लिया जो वहाँ पे था गार्ड या जो भी है काउंटर में, वो उसने हमें लेके जा रहे शॉर्टकट रास्ता से पैलेस तक, उनसे मिला था। अभी आप देखो रास्ता शॉर्टकट रास्ता कैसा है ले आउटर मीडिया। तो इस रास्ते में एक चीज़ और था, एक कोई आर्ट एग्जीबिशन का, फिर आपको शाम के टाइम होते रहते 5:30 बजे, तो आज भी एग्जीबिशन है। देखते आने के टाइम अगर टाइम रहेगा, अगर हम थोड़ा लेट में आए तो देख लेंगे। बाकी म्यूजियम से ले पैलेस का डिस्टेंस कुछ 10 मिनट का है, 10 मिनट चलो, लेकिन इश्यू है कि यहाँ पे आपको ऐसे ऊपर चलना पड़ता है। अब यहाँ से देखो पीछे, मेरा पीछे आपको सिटी देख रहे हैं। बोला यहाँ पे भी कुछ और है देखने का। क्या है यहाँ पे देखने का? कौन सा बोर्ड? अच्छा जो बोर्ड है पैलेस कौन सा है? अच्छा वो लेके जा रहे शॉर्टकट रास्ता से। कुछ लिखा है व्हाट इज इन ए ग्लास ऑफ वाटर, अब इसको पढ़ सकते हो पास करके क्या लिखा है। यहाँ पे कुछ और है आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कुछ है यहाँ पे देखने का, कुछ और है। तो आप बेसिकली यही से हो? ले से ही हो आप? हम कारगिल का। आप कारगिल से हो? कितना साल हो गया आपका यहाँ पे? 10-12 साल। तो यहाँ का मौसम कैसा रहे थे? मौसम इस साल तो बिल्कुल ठीक नहीं रहा, नहीं तो मौसम अच्छा रहता। इतना गर्मी है? गर्मी भी नहीं आया नहीं इस साल, गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी ज्यादा आया, ठंड ज्यादा है। तो आप चलोगे हमारे साथ या हम चले जाए? आप चल जाओ, हम वहाँ पर जाओ। ओके, रास्ता यहीं से? यहीं से, अगर कुत्ते शुत्ते ये यहाँ आएगा सोच कर मैं यहाँ तक आया। कुत्ता कुछ नहीं करेगा, करेगा डरेगा।
कुत्ता कुछ करते हैं यहाँ पे? कुछ नहीं करता। चलो यही रास्ता सीधा जाता है पैलेस। ठीक है चलो ओके। अब यहाँ पे लगभग मैक्सिमम घर पे आप देखेंगे कि ये लोग सोलर सिस्टम यूज करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, दूर दूर तक जितना बिल्डिंग आपको नजर आएगा, आप ऊपर देखो, सबके ऊपर आपको सोलर सिस्टम नजर आएगा। तो पहाड़ी एरिया के लिए सोलर सिस्टम बहुत ही आजकल हेल्पफुल होने वाला है। हमने जैसे उत्तराखंड में भी देखा कि ऐसा गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे सोलर सिस्टम का यूज करते हैं। जितना ऊपर जा रहे हम उतना ही देखो आपको सिटी का पूरा व्यू आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए पैलेस के पास, और आपको मैं यहाँ से जो नजारा दिखा रहा हूँ, आप घर बैठे बैठे वहाँ पे नजरिया एक बार देख लो। देखो मेरे पीछे पहाड़ में देखो आइस गिरा है, और ये जो आइस आप देख रहे हो ये बिल्कुल मतलब ताज़ा ताज़ा गिरा है। और यहाँ से आप पूरा सिटी का एक बार सीन देखो, और हम लोग कितना ऊपर आ गया नीचे से वो भी आप आइडिया कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है कि जो ऊपर हिल स्टेशन है यहाँ पे आने के लिए आपको सांस फूंकता है। ले पैलेस का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पे आपको एंट्री फी भी देना पड़ता है। और ये जो आपका ले पैलेस है, ये एक ज़माने में आपका जो रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली यहाँ पे रहते थे। टॉप फ्लोर में एक आपका किंग साइज बेडरूम भी है, और अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पे आपका इंडिया में जितना आपका हेरिटेज साइट बना हुआ है, मतलब मोनूमेंट बना हुआ है जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसका नाम है, उन सब के बारे में डिटेल्स में दिया रखा है, और उसका फोटो भी दे रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये सब मोनूमेंट है इंडिया का जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका नाम है। फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखा कि मोनूमेंट वाला जो गैलरी है, उसके बाद हमने ऊपर आ गया। ऊपर आते ही आपका व्यू पॉइंट फोटो पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरा ले सिटी का व्यू मिल जाता है। आप ये जो देख रहे हो ये आपका पोलो ग्राउंड है ले का, और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आज ओपनिंग है, और इसका चीफ गेस्ट है सुषमा स्वराज जी। आप देखो एक बार व्यू कैसा लगता है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ले बहुत बड़ा सिटी नहीं है, और ग्रीनरी भी आपको एक साइड में ग्रीनरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेन मार्केट है, मेन सिटी है, वहाँ पे ग्रीनरी इतना नहीं है। एक तरफ तो आपको पूरा हरे भरा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। अभी मैं पहुंच गया आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे आपको पूरा लेह लद्दाख के बारे में ही अलग अलग इनका जैसे कि मोनेस्ट्री हो गया,
या कोई प्लेस हो गया देख घूमने जैसा या कोई एनिमल, तो ये सब चीज़ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिक्चर। और इसके साथ यहाँ पे एक आपको मंदिर भी है पैलेस के अंदर टेंपल, लेकिन उसके अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको टेंपल नहीं दिखा पाऊँगा। आप एक बार आर्ट गैलरी देख लो। ले पैलेस देखने के बाद अभी हम बाहर आ गए, और अभी आप जो देख रहे हो ऊपर में वही आपका तसेमो मोनेस्ट्री। अभी हमें ऊपर चलना है, और यह जाने के लिए आप देखो जो रास्ता देख रहे हो अभी हम इस रास्ते से जाएंगे। ले पैलेस देखने के बाद अभी हम चलना शुरू किया ऊपर मोनेस्ट्री देखने के लिए। अभी हम मोनेस्ट्री जा रहे हैं, और एक बात है जैसे आपने देखा मैं नीचे से ऊपर पैदल पैदल शॉर्टकट में आके रास्ता अभी आपको दिखाया, लेकिन अगर आप बाइक कार हायर करके घूमने साइड से तो आपको ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा, यहाँ पे आपका टैक्सी छोड़ेगा, फिर आप आगे पैलेस देखेंगे और ऊपर मोनेस्ट्री देखने आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपका स्टैंड है, और यहाँ से आप व्यू एक बार देख लो कि आपको पूरा सिटी देख रहा है। और यहाँ से अभी हम देखो कितना ऊपर हमें चल रहे हैं, वहाँ पर मोनेस्ट्री तक जाना है, तो अभी कितना टाइम लगता है चलो देखते हैं। लेकिन थोड़ा धूप खिला है अभी, और जो ठंडी ठंडी हवा काल परसों में हमें मिला वो अभी नहीं है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चढ़ाई ऊपर जाने के लिए सांस फूक लेगा, तो साथ में आप कुछ ऐसा चीज़ रखो, पानी का बोतल रखो, कुछ ऐसा चीज़ रखो जो आपको थोड़ा मदद करेगा। पानी का बोतल तो ज़रूर साथ में रखना, ठीक है। चलो चलते हैं, आधे रास्ते आए अभी हम लोग, आधे रास्ते आ गए पैदल चलते चलते। अब देखो एक बार कहाँ से हमने चलना शुरू किया, वो जहाँ पे अपने गाड़ी देख रहे हो टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से शुरू करके रास्ता पूरा अभी अगले बार ऊपर जाने में सीधा रास्ता नहीं है, घूम के जाना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचने आए। चलो फाइनली हम पहुंच गए मोनेस्ट्री पे, और यहाँ पे दर्शन कर लिए। दर्शन करके आप ये को यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको क्लॉक वाइज ऊपर ऊपर आना पड़ेगा, और आप यहाँ से देखो जो आपको देखना था वाइट कोई भी हाउस देख लो, बिल्डिंग देख लो, कलर वाइट है, ग्रीन वाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन, वाइट ब्यूटी। और आप वो हाँ ये वाला आप देख रहे हो, ये आपका शांति स्तूप है जो मैं आपको कल लेके जाने वाला था, लेकिन हम लोग ऊपर तक नहीं जा पाए। और इधर भी देखो आप पीछे जो भी पहाड़ देख रहे हो इधर सब आपको आइस गिरा हुआ है। इधर भी देखो इतना अच्छा नज़रिया, मतलब आप जब ऊपर आओगे कोई इतना तकलीफ होगा पैदल चलने में, बट जब आप ऊपर आ जाओगे इतना अच्छा महसूस होगा, एक अच्छा एटमोसफियर है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा सीन आप देखोगे, सीन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपका इतना जो आप कष्ट करके ऊपर आए वो सब आपका वसूल हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा जो बिजी रहेगा
वो है आपका मोबाइल या आपका कैमरा का जो कैमरा है, क्योंकि इतना अच्छा आप एक स्टेप बाय स्टेप जैसे ऊपर जाओगे एक अलग नज़रिया देखोगे और आपका कैमरा में वीडियो में आप कैप्चर करना चाहोगे। अभी थोड़ा सा हम नीचे से ऊपर आ गया, आप इधर से भी व्यू देखो। अभी हम मोनेस्ट्री को क्लॉक वाइज घूम रहे जैसे पीछे से, और अभी आई थिंक इधर से जाना पड़ेगा, फिर ऐसे क्लॉक वाइज घूमते घूमते आपको पूरा कवर करना है। अभी ऊपर आके और ये आपका यहाँ का जो ओल्ड टेम्पल है, यहाँ का आने के लिए आपको 20 रुपये टिकट लगेगा, नीचे से टिकट लेना पड़ेगा। अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने कहाँ से पैदल पैदल आया, कितना ऊपर आ गया। जहाँ पे गाड़ी का रहा है नीचे देखा, वहां से ऊपर तक हमने पूरा आ गया ये रास्ता। अभी ऊपर आने में जितना कष्ट हो मेरे हिसाब से जाने के टाइम थोड़ा आसान आएगा। बाकी चलो थोड़ा रेस्ट करते और फिर ऊपर नीचे चलते हैं। ये जो ऊपर है वहाँ पे जो यहाँ के ओल्ड टेम्पल है, ओल्ड टेम्पल जहाँ भी दिखाया आपको, पूरा व्यू देखो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ और पहाड़ के बीच में ये ले सिटी है। इतना अच्छा नज़रिया मेरे हिसाब से आपको इंडिया में बहुत कम जगह पे मिलेगा। हिमालयन में मिलेगा, आपको उत्तराखंड में कुछ मिलेगा, बाकी यहाँ पे ले का व्यू देखो इतना अच्छा व्यू।